हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। बच्चों, तो कई बच्चों का मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट आ रहे थे कि सर बोर्ड एग्ज़ाम हमारे आने वाले, तो जो क्लास टेंथ गणित का जो पेपर है वो किस बुक से आएगा सर, प्लीज़ हमें बता दीजिए, हम उस बुक को पढ़ के पूरा नंबर लेके आएंगे, ठीक है ना। तो सर प्लीज़ कौन से बुक से पेपर आती है हमें बता दीजिए। तो सबसे पहले इस तो देखो बेटा, ये है ना, आप पहली बार बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हो। आज ये वीडियो मैं क्लास टेंथ के लिए बना रहा हूँ, ऐसे एक वीडियो मैं क्लास ट्वेल्थ वालों के लिए भी बनाऊंगा, ठीक है। ये महीना कौन सा चल रहा है, नवंबर महीना चल रहा है, ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है ये मान लीजिए। इसके बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी से एग्ज़ाम है, तो बचे नहीं है समय, लेकिन बच्चे अभी भी सीरियस नहीं, पढ़ नहीं रहे। बेटा समय देखते देखते चला जाएगा, आपका एग्ज़ाम पेपर आपके हाथ में होगा, फिर आप रियलाइज़ करोगे कि काश मैं उस टाइम पर पढ़ लेता, ठीक है, जब क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं बनेंगे, ठीक है। आपकी घबराहट उस टाइम पे बता रही होगी कि काश मैं उस टाइम पे पढ़ लेता, अभी भी समय है, पढ़ाई कीजिए। तो देखो, अगर मैं बात करूँ बोर्ड एग्ज़ाम की, क्लास टेंथ बोर्ड एग्ज़ाम आप देने वाले 2023 का बोर्ड एग्ज़ाम, गणित का पेपर है, ठीक है ना, गणित पेपर, इसकी हम बात कर लेते हैं किस बुक से आएगा। मेन चीज़ देखो बेटा, बोर्ड एग्ज़ाम में ना डायरेक्ट क्वेश्चन, तीन चीज़ें होती हैं। सबसे जो बेस्ट बुक आपके पास है वो है आपकी एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी गवर्नमेंट की किताब होती है, इसका कोई राइटर नहीं होता, ये सब लोग रिसर्च करके बनाते हैं। और जब जब बात होगी बोर्ड एग्ज़ाम की ना, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आते हैं डायरेक्ट आपकी एनसीईआरटी बुक से पूछे जाएंगे, वो है 60 से 65% क्वेश्चन जो होता है, 60 से 65%, ठीक है, आपके एनसीईआरटी किताब के क्वेश्चन होंगे डायरेक्ट। फ्रॉम डायरेक्ट का मतलब कि समझते हैं ना, जैसे आपकी किताब में वैसा ही वही क्वेश्चन आपको आपके पेपर में देखने को मिलेगा। लेकिन पढ़ने का भी एक टेक्निक होना चाहिए, आप रट के मत जाओ, अगर आप रट के जाओगे तो आप लटक जाओगे वहीं पर, ठीक है, आपसे सॉल्व नहीं होगा। बेस्ट चीज़ क्या होती है समझो, अब ये जो टाइम है बेटा, ठीक है, अब आपने पूरे साल भर मेहनत की, हार्ड वर्क किया, अब इस टाइम पे आके आपको थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। जितनी भी आपके चैप्टर्स हैं, चैप्टर 1 चैप्टर 2, हर चैप्टर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स सेलेक्ट करो और उन टॉपिक्स पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना उनको बनाओ। इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया था कि हर चैप्टर के कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो इम्पॉर्टेंट है और जिससे क्वेश्चन हर साल आते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है जाके देखिए, तो वो टॉपिक के क्वेश्चन बनाओ और टिक करो कि ये चैप्टर है, लिख लो कॉपी में, ये टॉपिक है, क्या मुझे ये टॉपिक आता है तो टिक मार दो, नहीं आता है क्रॉस लगा के उस पर मेहनत करो, उस पर मैंने वीडियो बना रखा है, आप देख लेना, उसके क्वेश्चन बनाओ, ठीक। तो पहली चीज़ तो बेटा, आप सबसे पहली चीज़ आप क्या करो, एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी के क्वेश्चन पूरा लगाओ, जैसे इसकी सारी प्रश्नावली करनी है आपको, ठीक है, प्रश्नावली कीजिए, सारे क्वेश्चन करने हैं, उसके साथ साथ सारे उदाहरण भी करने हैं, ठीक है। कई बार देखा गया है ना, बच्चे सिर्फ प्रश्नावली करते हैं, उदाहरण नहीं करते, और बोर्ड एग्जाम में उदाहरण के क्वेश्चन ज़्यादा डाल दिए जाते हैं, कभी कभार ऐसा होता है, और बच्चे जब एग्जाम बैठते हैं उन्हें लगता है कि ये क्वेश्चन नया है, हमने कभी देखा ही नहीं, हमने कभी पढ़ा ही नहीं, वो आपके उदाहरण का क्वेश्चन होता है, ठीक है। अगर आप बोर्ड एग्जाम का पेपर उठा के देखोगे ना पिछले साल के, तो उदाहरण के बहुत सारे क्वेश्चन आ रखे होंगे, तो उनको भी बनाना है, उदाहरण भी करना है और प्रश्नावली भी करनी है, इनको बार बार रिवीजन करना है, ठीक है, बार बार रिवीजन करना है। जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतनी आप और निखरते जाओगे, उतना आप और निखरते जाओगे, आपकी टाइमिंग बढ़ेगी, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा। तो सबसे पहली किताब जो आपको पढ़नी है वो आपकी किताब आपकी बैग में रखी पड़ी हुई है, वो है आपकी एनसीईआरटी, इसको आप ढंग से पढ़िए, अच्छे से कीजिए, ये बुक जब हो जाए, ठीक है। दूसरी जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, वो है विगत वर्षों के प्रश्न पत्र, ये सबसे रामबाण है, विगत वर्षों के प्रश्न पत्र, जो पिछले साल के प्रश्न पत्र हैं ना बेटा, वो करने हैं, कम से कम 5 साल के या फिर 10 साल के। सबसे मेन चीज़ क्या है ना, जब हम पेपर करेंगे, आपको जो पेपर मिलेगा अभी ना इस साल बोर्ड एग्ज़ाम में, अगर वो पेपर तुम घर लाओगे और पिछले 10 साल के पेपर उठाओगे, तुम्हें एक एक क्वेश्चन पिछले 10 साल के पेपर में मिल जाएगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। 80% क्वेश्चन तो आपको
पिछले जो पेपर तुम इस साल बोर्ड एग्जाम में दोगे मैं उसकी बात कर रहा हूँ, और वो पेपर तुम घर पे लाओगे और उस पेपर के क्वेश्चनों को तुम पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर से मैच करोगे ना, तो सारे क्वेश्चन तुम्हें पिछले 10 साल के में मिल जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि पिछले प्रश्न जो होते हैं वही बार बार घूम फिर के वही आ जाते हैं। तो अगर आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर्स लाने हैं, ठीक है, 100 में से 100 नंबर लाना है, तो इनको करना ज़रूरी है। पिछले विगत वर्षों के सारे क्वेश्चन बनाओ, सारे क्वेश्चन देखना, उस या तो वो क्वेश्चन या उससे मिलता जुलता क्वेश्चन। मिलता जुलता का मतलब है 2 की जगह 3 होगा, 3 की जगह 5 होगा, अंक में बदलाव होगा लेकिन क्वेश्चन वैसे ही होगा, ये है, ठीक है। तो सीक्रेट होता है ना अच्छे नंबर लाने का, वो ये है, जो बच्चा विगत वर्षों के प्रश्न पत्र बनाता है उसका कॉन्फिडेंस लेवल ही कुछ अलग होता है, क्योंकि उसने पूरी पढ़ाई की है। अब वो 10 साल के क्वेश्चन देख रहा है, हर साल ऐसा ऐसा आ रहा है। तुम कुछ अनोखे विद्यार्थी नहीं हो कि तुम्हारे लिए दूसरी दुनिया से क्वेश्चन लाए जाएंगे, नहीं, तुम्हारे भी वही क्वेश्चन दिया जाएगा यार, क्योंकि बुक वही है, पैटर्न वही है, सिलेबस वही है, तो क्वेश्चन के अलग से आएंगे या नहीं, क्वेश्चन भी वही रहेंगे। तो प्लीज़ आप ये चीज़ ध्यान में रखना कि इन क्वेश्चनों को ज़रूर बना के जाना। इनमें फ़ायदा क्या है, देखो कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं, है ना, जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है। अब विगत वर्षों के क्वेश्चन पत्र बनाने से ये फ़ायदा हो जाता है, जो क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस में नहीं किए वो वहाँ मिल जाते हैं। आप कहोगे सर सिर्फ क्वेश्चन मिलेगा, सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा, सब करा रखा है मैंने, लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है, सब मैं करा दूंगा, पेपर की तैयारी भी करवा दूंगा और एग्जाम से पहले लाइव भी पढ़ाऊंगा, डेली अभी भी पढ़ा रहा हूँ, आगे भी पढ़ाऊंगा। तो ये सब आपको मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ और आगे भी कराता रहूँगा, अगर जो मेरी वीडियो देखते रेगुलरली उनको पता है, ठीक है, ये चीज़ है। तो ये सबसे बड़ा सीक्रेट है, अगर आपको 100 में से 100 नंबर लाना है विगत वर्षों के प्रश्न पत्र बनाओ। नेक्स्ट जो चीज़ है, ये दो चीज़ बहुत है, एक तो एनसीईआरटी और विगत वर्षों के प्रश्न पत्र। थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है, थोड़ा सा और महारत हासिल करना है, 100 में से 100 नंबर लाने ही लाने, चाहे दुनिया पलट जाए, उसके लिए थोड़ा सा और एफर्ट करना पड़ेगा, उसके लिए आपको थोड़ा सा मॉडल पेपर सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, मॉडल पेपर सॉल्व करना पड़ेगा, और हो सके तो क्वेश्चन बैंक अब कोई से भी उठा लो, मैं ये नहीं बोलूँगा कि इस पब्लिशर का लो, उस पब्लिशर का लो, नहीं, किसी का भी उठा लो, आप कम से कम 3 मॉडल पेपर सॉल्व करो, ठीक है, 3 मॉडल पेपर सॉल्व करो, मैं तो करवा ही रहा हूँ, आप खुद से करो, इससे आपको टाइम मैनेजमेंट का पता लगेगा कि कितने टाइम में कौन सा प्रश्न पत्र जो है ना, कौन सा खंड कितने टाइम में हो रहा है, मुझे किस कितना समय और देना पड़ेगा, किस खंड में कितना टाइमिंग मुझे बढ़ानी पड़ेगी, ये सब आपको पता लगेगा। उसके साथ साथ क्वेश्चन बैंक से क्या होगा, चैप्टर वाइज एक नंबर के कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, 2 नंबर के 3 नंबर के 4 नंबर के कौन सा क्वेश्चन किस साल पूछा गया है, तो ये सब कुछ आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाता है। अगर ये नहीं है तो जिन्होंने मेरा कोर्स ज्वाइन कर रखा है 99 रुपीज़ का, उनको ये सारी फैसिलिटीज़ में दे रहा हूँ वहाँ पर 99 रुपीज़ के अंदर, ऑल सब्जेक्ट, और 99 रुपीज़ सिर्फ एक ही बार पेमेंट करनी है, बस एक बार। अगर आपने नहीं किया है तो आप वेबसाइट के लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे, आप जाके देख सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। तो ये चीज़ है। अब आप सोच रहे हैं इस वीडियो का कंक्लूजन क्या है, इस वीडियो का कंक्लूजन है कौन से पेपर किस, सर हमारा पेपर किस बुक से आएगा गणित का, तो मेरा जवाब है एनसीईआरटी, विगत वर्षों के प्रश्न पत्र, दो चीज फाइनल। आप एग्जाम में फोड़ के आओगे, अगर इन इसमें और इसमें आप बहुत अच्छा तैयारी करके जाते हो, अच्छी रिवीजन, अच्छी प्रैक्टिस के साथ जाते हो, तो कोई मायके लाल नहीं है जो तुम्हारे 100 में से 100 नंबर रोक के दिखा दे, ठीक है, भगवान भी नहीं रोक सकता। तो बस मेहनत करनी है और अच्छे से प्रैक्टिस करो, ज़रूर 100 में 100 आएंगे। जय हिंद। डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें।